और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता प्रकाश राज ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बता रहे हैं आपको, पीएम मोदी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बिना पढ़े 15 मिनट तक भाषण देने की चुनौती दी। इसी रैली को लेकर एक्टर प्रकाश ने मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जब आप रैली में बोल रहे थे तो लोग हंस रहे थे। उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है, प्रिय मोदी जी, आज जब आप कर्नाटक में स्टेज पर खड़े थे तब क्या आपने लोगों को खुद पर हंसते हुए देखा था? एक्टर के वार यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, आपने दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के मसले पर राज्य के मुख्यमंत्री पर तंज कसा, लेकिन आपने भी तो खुद वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ा था। अच्छा जरा बताएं कि आप विकास के नाम पर वोट कब मांगेंगे? सिर्फ पूछ रहे हैं। गौरतलब है प्रकाश राज इससे पहले पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित तौर पर टिप्पणी कर चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।